हमारी गुजराती गानों में भी बंद हो गया। अच्छा आपने काजल लगाया? आज मैंने काजल लगाया, कैसी लगी वो काजल? बहुत ब्यूटीफुल। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है नवरात्रि का डे 3 और मैं हो गई हूँ तैयार और नवरात्रों की शॉपिंग के लिए मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हूँ। मैं बस इयररिंग्स देख रही थी कि कौन से पहनूँ, मुझे लगा ये पहनूँ क्या, थोड़ा फेस्टिव वाइब देंगे, पर आई थिंक भी हैवी नहीं है, बट छोटे में कुछ पहनती हूँ ये। देखते हैं हम क्या मिलता है नवरात्रों का, कुछ अच्छा सा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसने मुझे इतने दिन से कह रही है जाना है जाना है जाना है, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये रहा, ओके बाय। हाँ ये अच्छा लग तो फाइनली हमें इस शॉप में पसंद आए थे लहंगे और यहाँ पर इतना क्राउड है, आप देख सकते हैं कितना रश है। तो हमारी शॉपिंग हो गई थी, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, खा तो नहीं सकते थे बट वैसे ही कुछ पी लेते हैं। तो हम ये शॉप में रुके जहाँ पर हमने ब्लूबेरी लस्सी ट्राई की। आंटी अच्छी है, पता कैसी है, पता कैसा है, वो नहीं खाते हम फ्लेवर्ड कर्ड वैसा। तो फाइनली वी आर गोइंग होम और बाहर का नज़ारा तो देखो आप लोग, लुक एट दीस लाइट्स, ओ माय गॉड इतना सुंदर सजाया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कल ही दिवाली है।
फाइनली घर आ गई हूँ मैं। चार आंटी भी चले गए अपने घर। इतना थक गए है ना, एक तो फास्ट था और ऊपर से फिर मैं सुबह जिम भी गई थी तो थोड़ा ज़्यादा एग्जॉट हो गया। और सोसाइटी में भजन शुरू हो गए हैं, यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाय, तो आज है डे टू इस व्लॉग का। अभी मैंने एक वीडियो बनाई हेयर केयर से रिलेटेड, तो आई थिंक वो इस व्लॉग से पहले ही आएगी। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाइए, पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद आइए। ओके, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना अपनी कल की शॉपिंग दिखाती हूँ जो हमने लाई थी ना नवरात्रों की शॉपिंग, क्योंकि हमने थी तो ये सब है। कुछ ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा है और एक वो क्या कहते हैं उसको, घाघरा चोली भी लिया था बट समस्या नहीं आया उस वक्त, तो ले लिया। अभी वो दिया है मैंने टेलर के पास ऑल्टर करने के लिए, अगर अच्छा लगा तो पहन लेंगे, नहीं लगा तो फिर नहीं पहनेंगे। वालों ने देखा बोले लेते क्यों हो जब पहनना नहीं है तो। ओके, तो पहले जो चीज़ है, चीज़ नहीं एयर, अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ ना मैं। लवली, दूसरा मैं पहन के दिखाऊं, दोनों दिखाती हूँ पहन। थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है पर मैंने जबकि इसे देख देख के लाए सब इयर रिंग, स्पेशली कि हैवी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ना ये देख रहे होंगे आप पियर्सिंग काफ़ी ज़्यादा, उसका स्पेस बढ़ गया है, होल बढ़ गया है क्योंकि इसे शूट्स में बड़े बड़े झुमके दे देते हैं और पूरा पूरा दिन उनमें रहना उससे प्रॉब्लम होती है। आँखें So pretty. तो ये है, ये तो देखो बेसिक है, ये आप अपने कोई भी आप आउटफिट में पहन सकते हो, जैसे कि वाइट सूट। और मैंने लिया एक और इयर रिंग्स। ये मैं एक ही पहनती हूँ ना, दो दो बहुत टाइम हो जाएगा पहनते। तो ये देखो, ये है, ओ ये तो इसके साथ भी जाना है, रेड रेड हो गया ये, देखो बेटी नाइस। तो मैंने एक और इयर रिंग ये वाला लिया, और क्या लिया, और बहुत एक सेकेंड उसको बाद में दिखाती हूँ। पहले ये वाली इयर रिंग की बारी है, एक और इयर रिंग, ये बहुत सिंपल सा है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें कुछ वाइट सा सिचुएशन है यहाँ पे कुछ, सो या सो इट्स प्रिटी, इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी। तो ये लिया, और जो मैंने लिया है वो मैं दिखाती हूँ। ओ गॉड, अच्छा ये रुक जाओ, हार्ट को थोड़ा ऊपर कर लो ना। ये लिया, ये वैसे तो हमने सोचा था कि आज उसके लिए पहनेंगे गरबा वरबा के लिए, बट आई डोंट थिंक ये मेरे घाघरे के साथ जाने वाला है, तो ये वैसे ही किसी दिन किसी के साथ स्टाइल करना पड़ेगा। और ये पहन ली, अरे ऐसे हो जाओ ना, हाँ पीठी और नोच, ये भी अच्छे है। वैसे तो ये नेकलेस है पर मैंने ये जिस वजह से लिया था ना वो था ऐसा, मैंने सोचा था ऐसा कुछ करेंगे इसका सिल्वर में और गोल्ड में दूंगी, तो ये भी आप अपने वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। तो ये लिया हमने, ठीक है चलिए इसको भी थोड़ी देर पहन ही देती हूँ। कुछ लिया है घर के लिए, इस जैसे ये ना कुछ प्यारा सा मिल रहा था वहाँ पे, लेकिन इसमें क्या लिखा है वैसे इस बारे में, तो ये घर पे कितना अच्छा लगेगा यहाँ। एक ये लिया और एक एक लिया, इसमें भी कुछ बना है, दो चीज़ें ली। और देखो घाघरा चोली ली है, घाघरा चोली, ये भी घाघरा चोली ही होगी क्योंकि उसका एक तो साइज़ बहुत बड़ा है ना, दूसरा
बस समझ नहीं आ रहा है अभी, देखते हैं जब आएगा क्या है। नहीं तो अगर वो नहीं पहनूंगी, मैं पहनूंगी तो मैं कुछ और भी पहनूंगी, बस साड़ियाँ तो काफ़ी, कोई साड़ी का घाघरा चोली बना के पहनूंगी। ये रहा घाघरा चोली, तो पहन तो मैंने लिया है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर शायद से ज्वेलरी के साथ समझ आएगा, ज्वेलरी वेलरी पहने के। पहले नारियल पानी पी लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। मुझे गानों में भी बंद हो गया। चलो थोड़ा सा पानी वानी पी के आते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद नहीं ये नहीं है, वो तो मैंने ऑर्डर किया है, बोल रही हूँ याद नहीं है मुझे बता। तो या ओके अभी हो गई है रात्रि और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सवारी का। पास में ही जाना है पर हम जाएंगे ऑटो में। हाँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और हम थक गए, अब खा पी के भाई खाया भी इतना सारा, चलिए पूरी पूरी वो टूरा गया था पर मज़ा आया, मज़ा। बाय गुड नाइट, बाय। नहीं अब बंद हो गया, बाय बाय ओके बाय। नवमी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मेरी पूजा हो गई है, अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद माता के लिए। ब्लैक चने पूरी
और हलवा जो सब बनता है आज बहुत कम कम बनाऊंगी क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, मैं भी कितना ही खाऊंगी तो वेस्ट ना हो इसलिए कम कम बनाते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने ब्लैक चने बॉईल किए हैं, अभी आटा गूंदना बाकी है और हलवा बनाना बाकी है और ऑब्वियसली चने, तो चने में तड़का लगाना बाकी है, तो जल्दी जल्दी करती हूँ। सबसे पहले बाल बांध लेती हूँ सो दैट गर्मी भी है तो बाल का। निकालना इतना मुश्किल हो गया था, मैं ना हमेशा ये आटे वाला ही हलवा बनाती हूँ, जैसे हाँ मैंने आज तक सूजी का हलवा कभी बनाया ही नहीं है क्योंकि मुझे ना पसंद है ज़्यादा ज़्यादा कि मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने कभी बनाया भी नहीं और शायद मुझे आता भी नहीं है। ऑलमोस्ट हो गया है और यहाँ पर गुड़ वाला पानी भी हो गया तो इसको धो, दो चीज़ें बन चुकी है हलवा एंड चने, इट्स टाइम फॉर पूरी। पता है मुझे ना ये आई थिंक आई डोंट नो इट्स एन ओसीडी और व्हाट, पर मैं खाना बनाते साथ साथ मुझे ऐसे चाहिए कि मेरा जो गैस है मेरा प्लेटफॉर्म है वो साफ है, वो कई बार इस वजह से खाना बनाने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि खाना भी बना रहे हो और आपका किचन भी साफ है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चलिए अब तेल हो रहा है अब तो हम से पूरियां बनाएंगे, मेरा तो टाइम है इसमें, हवा ही खा लेती है भाई पंखे की हवा फैन तो। ये गर्मा गर्म अच्छा, तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से भोग लगाती हूँ और उसके बाद मंदिर भी जाना है और मेरी थाली ये रही इसे खाने वाली, तो मैं इतना थक गई हूँ अब इससे रुका नहीं जा रहा है। अब ऐसे शुरू करते हैं, नाइस टेस्टी है। अब तो कुछ भी खाऊंगी मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि कब से नहीं खाया है, बहुत देर हो गई है, मतलब सुबह से तो खाया ही नहीं पर कल भी बहुत जल्दी खा लिया था, वही मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी है और मैं सुकून से खा लेती हूँ।